नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के क्रम में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा में ही वर्चुअल रैली की और इस दौरान ही पीएम मोदी ने कहा कि मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में मेरा पहला दौरा मेरठ का ही हुआ था। उस दिन मौसम खराब था, इसलिए मुझे सड़क मार्ग से आना पड़ा था, लेकिन मेरठ एक्सप्रेसवे की वजह से मैं 1 घंटे से भी कम समय में दिल्ली से मेरठ पहुंच गया था। पीएम ने कहा कि मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने का सौभाग्य देशवासियों की मुझे दिया था और इस बात का ये भी सबूत है कि भाजपा की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, जो काम शुरू करती है उसे पूरा करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की पहचान को बनाए रखने के लिए है और ये चुनाव हिस्ट्री शीट को बाहर रखने के लिए है, नई हिस्ट्री शीट बनाने के लिए है। और इसके साथ ही मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों और माफियाओं को पर्दे के पीछे ही रहकर प्रदेश की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। वहीं दादरी थाने में ही आचार संहिता उल्लंघन में FIR दर्ज की गई है। FIR में अखिलेश के साथ ही रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी का भी नाम है। गुरुवार को ही अखिलेश और जयंत अपनी रथ यात्रा के साथ ही यहां पहुंचे हुए थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर ही इस दौरान पटाखे भी फोड़े गए। अधिकारियों की माने तो अखिलेश जयंत का काफिला रात करीब 10 बजे TNT पहुंचा था और इस दौरान ही भीड़ के कारण कोविड नियमों का उल्लंघन किया गया और यहां रात्रिकालीन कर्फ्यू भी लागू है। इसके साथ ही धारा 144 के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है। अखिलेश जयंत के साथ ही यहां से प्रत्याशी राजकुमार राय को भी नामजद करीब 3 दिन से ही 400 अज्ञात लोगों को FIR में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि आपको बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन से रात 8 बजे ही तक का ही परमिशन मिला था और जिला प्रशासन के ही डोर टू डोर प्रचार की इजाजत ली गई थी, लेकिन इसके बाद भी रथ यात्रा और भारी भीड़ का जमावड़ा किया गया। साथ ही इस दौरान अखिलेश सीएम योगी और बीजेपी सरकार पर जमकर कठघात करते हुए भी नजर आए। लेकिन नौजवानों, हम आपके लिए भर्ती और रोजगार और नौकरी निकालना चाहते हैं। कितनी तकलीफ और परेशानी में नौजवान है, पढ़ लिख ले, डिग्री हासिल कर ले, मेहनत कर ले, रात दिन जाग ले और अगर परीक्षा देने जा रहा तो बताओ परीक्षा रद्द हो रही है कि नहीं हो रही। परीक्षा रद्द हो जाए, पेपर का पता ही नहीं लगे, पेपर आउट हो जाए, ये पहली सरकार है जिसमें इतने बड़े पैमाने पर नौकरियों की परीक्षा रद्द हुई है, पेपर आउट हुए हैं। और अगर किसी ने पेपर आउट और परीक्षा रद्द की है तो ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने जानबूझ करके परीक्षा नहीं होने दी और इसने परीक्षा नहीं होने दी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में ही नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन से पहले सीएम योगी ने ही आज गोरखपुर नाथ मंदिर के ही पहुंचकर पूजा हवन भी किया है। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में ही पहले रुद्राभिषेक किया, फिर हवन पूजन किया और साथ ही आपको बताते चले कि सीएम योगी ने ही गोरखनाथ मंदिर की पहली मंजिल पर मौजूद शक्ति मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद सीएम योगी ने ही गुरु गोरखनाथ पूजा कर ग्रालीन महंत दिग्विजयनाथ और ग्रालीन महंत अवघनाथ की प्रतिमा के सामने भी मस्तक होकर ही आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने पूरे विधि विधान के साथ ही पूजन किया है और बताते चले आपको कि आज नामांकन के दौरान सीएम योगी के साथ अमित शाह भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले सीएम योगी और अमित शाह ने ही कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और यूपी में विकास का रिपोर्ट कार्ड भी साझा किया। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामांकन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, पार्टी के ही प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूदगी में ही एक जनसभा को भी संबोधित करने के लिए पहुंचे थे।
वहीं ओवैसी पर गोली चलने की घटना से यूपी का चुनावी पारा और गर्मा गया है। ओवैसी समेत ही उनकी पार्टी को बीजेपी की लखनऊ से लेकर दिल्ली सरकार तक को घेरने का मौका मिल गया है। आज ओवैसी खुद इस मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे। वहीं पुलिस ने फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों सचिन और शुभम को पकड़ लिया है। ओवैसी की पार्टी के सांसद ने भी अपने अध्यक्ष पर हमले की घटना को गंभीर बताते हुए इसे लोकसभा में उठाया। औरंगाबाद से ही सांसद सैयद इम्तियाज जलील ने कहा है कि ओवैसी साहब की कार पर गोलीबारी की गई और इससे पहले उनके आवास पर हमला किया गया था, वो सुरक्षित है। हमारे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की हरकत ठीक नहीं है। जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कल ओवैसी पूरे आपको बता दें कि यूपी के ही मेरठ में डोर टू डोर कैंपेन कर अपना प्रचार खत्म कर दिल्ली की ओर लौट रहे थे। ओवैसी का काफिला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के रास्ते चल रहा था। करीब 45 मिनट बाद ओवैसी के काफिले पर फायरिंग हुई। फायरिंग की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है।